व्यापारी हमारे पास हजारों आते हैं, वो आता है एक एक चीज देखता है क्या है क्या नहीं है। इनका सिलेक्शन ऐसा मिनटों में है, क्या चीज देखी, हाँ ओके डल। इस टाइप के सिलेक्शन के व्यापारी बहुत कम मिलते हैं। दो ढाई साल से वीडियो देख रहा हूँ जी, और मैंने 5-6 कंपनियां जो बड़ी बड़ी है यहाँ पे जी, सभी का वीडियो देखा जी, पर हमने आपको ही सिलेक्शन किया। अच्छा, या आप एक एक मिनट में एक सेकंड में सिलेक्शन कैसे कर लेते हो? सर ऐसे है, जब मुझे आपका सेलमैन किसी वैरायटी का प्राइस बताता है जी, या डिस्प्ले करता है जी, उसको तीन तरफ से मैं दिमाग को घुमाता हूँ जी कि कितने प्राइस ये बता रहे हैं जी, और कितने की हमारी बिकेगी जी, और पंजाब में ये चलेगी या नहीं चलेगी। बराबर है, उन दोनों को समझ में हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट उतना लेना है जब रोज कस्टमर हमारी शॉप पर दोबारा रिटर्न आए जी, ये सोच कर हम उसका देखते हैं। बेनती करूँगा कि जिसने भी कुछ परचेजिंग करनी है, नवी शॉप खोलनी है, वो फर्स्ट अजीत जोन से जरूर पहुँचन जी, पर पहुँच गए इन्हों तो मनो बहुत बड़ा विश्वास हो गया जी, कि मैं तो इन्हों स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मनो एक गल कही कि मेरे ना सेल्समैन शिप ना करना जी, कि मैं कपड़ा थोड़े हाथों जाएगा, मैं दस दाँगा भी कपड़ा की है जी। दोस्तों जहाँ बैठा हूँ इस काउंटर पर, मुझे नहीं लगता है मैं इतनी देर तक इतने समय तक लास्ट बार कब बैठा, लेकिन कई बार ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जिनसे बातों में एक अलग मज़ा आता है, कुछ बातें सीखने का खूब सारा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आज देखो जहाँ बैठा हूँ, थोड़ा सा दिखा दीजिए, आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, मैं एक्चुअल में कस्टमर के साथ ही बैठा था और खूब समय से सर मेरे पास पंजाब से आए हैं, लुधियाना से, और पिछले दो दिन से यही है परचेजिंग कर रहे हैं, और इनसे जब बातें करते हैं बकायदा पंजाबी बोलते हैं, भैया आप समझ लेना हिंदुस्तान देखता पूरा अजीत जोन को, तो लेकिन पंजाबी भी समझ लेना आज। लेकिन हर बंदे से जीवन में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आज ऐसे ही हमारे साथ जो बैठे हैं, इनसे मैं पिछले दो दिन से कंटिन्यू बातचीत कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। दोस्तों एक तो सिलेक्शन होता है, जब हम वैरायटी पसंद करते हैं तब व्यापारी हमारे पास हजारों आते हैं, वो आता है एक एक चीज देखता है क्या नहीं है। इनका सिलेक्शन ऐसा मिनटों में है, क्या चीज़ देखी, हाँ ओके डल। इस टाइप के सिलेक्शन के व्यापारी बहुत कम मिलते हैं, और मिलते कब हैं, जब उस कपड़े में अपना जीवन खपा देते हैं, तब उससे पहले ये एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरे पास व्यापारी बैठे हैं, पहले मैं बात कराऊंगा आपको भगत सिंह जी से। सर नमस्कार। ये अजीत जोन चैनल है सर यूट्यूब पे, और पंजाब के भी खूब ग्राहक आते हैं हमारे पास। तो सर आप यहाँ आए पिछले दो दिन से हो यहाँ पर आप, तो आपको हमारे यहाँ पर वैरायटी वगैरह कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया, थोड़ा हमारे कैमरे के सामने देख के बताइए, ये आपके वाइफ है सर? हाँ, हमारे मिसेज। सर आपकी एज क्या है? मेरी 60। यानी ये हाथ में ले लीजिए सर स्पीकर, 60 साल उम्र है। सर 60 साल उम्र में लोग रिटायरमेंट होते हैं, और आज की यूथ आपको देख रही है और यूथ आपसे सीखेगी भी सही। 60 साल की उम्र में दोस्तों और लोग रिटायरमेंट होते हैं, उस उम्र में भगत सिंह जी के दिमाग में क्या प्लान आया, यही चर्चा करेंगे। सर 60 साल की उम्र में आपको कैसे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए? हमारा ऐसे है, 61 से फैक्ट्री लगा था। अच्छा, 61 से आपका फैक्ट्री था? हमारे पैदाने से पहले से फैक्ट्री चलता था। ओके, तो काम भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, अब वो लाइन खत्म हो गया। ठीक है, अब सी आई पाइप का जमाना नहीं रहा, पाइप पीवीसी पाइप चलता है अब। ठीक है, तो मैंने वो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारे बच्चा जो कहता है बाहर जाना है। अच्छा, इसलिए मैंने कोई काम हो गया। सर ज़्यादातर पंजाबी हम बाहर कनाडा वगैरह जाते हैं, क्या कारण सर? बस ऐसे ही है, बाहर को भागते हैं, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, और आपको यहीं रहना है, इसी मिट्टी में? यहीं रहना है, इसी मिट्टी में मरना है, इधर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। दो बेटी हैं, दोनों कनाडा में। अच्छा, और बेटा है मैरिड है, वो भी कहता है कनाडा जाना है, वो भी कनाडा जाना है। मैं भी, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं रहना है। फिर हमने फैक्ट्री क्लोज करके, ठीक है, हमने एग्रीकल्चर लैंड ले ली। ठीक है, तो वो गांव में है शाहपुर में। ठीक है, लुधियाना में भी है। ठीक है, रहते लुधियाना में। ठीक है, तो हमने सोचा टाइम पास करने के लिए ये काम करते हैं। वेरी गुड सर, शौक है। सर एक बात बताऊं, आपकी सोच अच्छी है सर, कभी भी आदमी को फ्री नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्री आदमी हुआ ना सर तो बीमारियां घेर लेगी। बिल्कुल, इसके बजाय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये आपकी सोच अच्छी है। सर ने बताया कि भाई फ्री बैठ के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो सर आपका यहाँ पर पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप अजीत जोन की कंपनी में आप आए, यहाँ पर स्टाफ का बिहेवियर वगैरह बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया, मैंने आपका 2-2.5 साल से वीडियो देख रहा हूँ जी,
और मैंने 5-6 कंपनियां जो बड़ी बड़ी है यहाँ पे जी सभी का वीडियो देखा जी, पर हमने आपको ही सिलेक्शन किया। अच्छा, सबसे हमने आपको देखा जी, आपका वैरायटी क्वालिटी जी, बातचीत जी बहुत बढ़िया लगा जी। मैंने कहा जीत भाई के पास ही जाना है जी, हम और किसी के पास नहीं गए। सर लुधियाना से गाड़ी लेके आ गए। हाँ जी, वो ऐसे ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ी। अच्छा, पड़ती है जी, वो सब बुकिंग था जी, जहाज का भी बुकिंग था जी, हमने फिर इमरजेंसी में आना था जी, गाड़ी लेकर आ गए जी। दो दिन हमारा आने को लगा जी, तो अभी 2-3 दिन शॉपिंग में हो गया, फिर 2 दिन वापसी जाने में लगा। देखो दोस्तों, 60 साल की उम्र में भी डिसीजन लेना इनसे सीख सकते हैं अपन, भगत सिंह जी से, कि ट्रेन नहीं है तो चलना है। देखो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, एक मारवाड़ी दिमाग भी है और एक डिसीजन लेने की क्षमता भी है, कि 4 आदमी आए हैं, अगर तत्काल में टिकट बनवाएंगे तो भी 3-4 हज़ार रुपये का एक टिकट पड़ेगा, ऐसे 30,000 टिकट का खर्चा भी आता है। इसके बजाय जहाँ इच्छा होगी वहाँ गाड़ी रोकेंगे, रेस्ट करेंगे और आराम से घूमते फिरते। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, ट्रेन का बुकिंग इतना था कि वो वेटिंग बहुत था, वेटिंग बहुत था, और डिसीजन ले लिया तो रवाना होके आना ही है, बस हमने जो काम करना तो करना है जी। सर अजीत जोन की टीम से आपको कोई? बहुत बढ़िया, आपका भी हमारा साथ जो डीलिंग है जी, आप हमारे साथ टाइम दे रहे हो कल जी, जी जी जी, तो बहुत बढ़िया लगा, सारा स्टाफ बहुत बढ़िया है जी, बहुत उनकी डीलिंग बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्राइस भी बहुत बढ़िया है जी। आपके वाइफ से थोड़ा माइक दीजिए उनको, आप नहीं बोल पाओगे मैडम, कोई बात नहीं, एक शब्द बोलिए कि आपको वैरायटी का कलेक्शन, जो सिलेक्शन आप कल से कर रहे हो उसमें, क्योंकि आप महिलाएं हैं और ये अजीत जोन चैनल महिला दिवस में ही बना हुआ है और मार्च में महिला दिवस भी आ रहा है, तो अजीत जोन में वैरायटी कैसी लगी, एक शब्द में, एक लाइन में आप बोल सकते हो जो आपकी इच्छा हो। क्वालिटी के दूर पंजाबी में बोल दीजिए, हिंदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। जहाँ अजीत जोन में हमें बहुत वैरायटी मिली है जी, डीलिंग हो रही है, अच्छी लगी, अच्छी डीलिंग हो रही है, अच्छी डीलिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सर को दे दीजिए माइक वापस। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे मैं बहुत कम यहाँ बैठता हूँ, लेकिन मैं आप एक साथ में एक शख्स को लेके आए हो, ये कौन है पहले तो मुझे इनसे परिचय करवाइए आप। ऐसे भाई साहब, हम तो इस काम में नए हैं जी, हमने तो सारी उम्र फैक्ट्री चलाया जी, कपड़े का काम हमने किया नहीं, हमको तजर्बा नहीं है जी, तो हमने इनको ढूंढा जी, बहुत मुश्किल, हमारे जो दोस्त है उन्होंने बताया कि हमारे भाई साहब हैं, बहुत पुराना काम करते हैं जी, तो इनको बहुत तजर्बा है जी, तो मैंने इनसे बात किया जी, तो ये इनको इनको माइक दे दीजिए पापा जी। दोस्तों अभी जिन शख्स से आप मिल रहे हो ना, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, एक सेकंड में सिलेक्शन करते हैं। भगत सिंह जी तो सीधे साधे सिंपल आदमी हैं, और ये ओनली फॉर इनको लेके आए हैं, और ये कल से मेरे पास बैठे हैं। जो स्टाफ ऐसा बोलता है, नहीं नहीं सर ये फोर्स करता है ना, तो उस आइटम को बोलते हैं हटा दे यार तू, यानी कहने का मतलब ये इनके दिमाग में एक सेकंड का सिलेक्शन है। दोस्तों ये होना बहुत बड़ी बात है। मैं पूछना चाहूँगा सर, आपको हिंदी आती है तो ठीक है, नहीं तो पंजाबी में गल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। या आप एक एक मिनट में, एक सेकंड में सिलेक्शन कैसे कर लेते हो? सर ऐसे कि जब मुझे आपका सेलमैन किसी वैरायटी का प्राइस बताता है जी, या डिस्प्ले करता है जी, उसको तीन तरफ से मैं दिमाग को घुमाता हूँ जी, कि कितने प्राइस ये बता रहे हैं जी, और कितने की हमारी बिकेगी जी, और पंजाब में ये चलेगी या नहीं चलेगी, बराबर है उन दोनों को, उसमें हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट उतना लेना है जब जो कस्टमर हमारी शॉप पर दोबारा रिटर्न आए जी, ये सोचकर हम उसका देखते हैं जी, कि मेरा कम से कम 40 साल का तजुर्बा है जी। 40 साल हो गए? 40 साल का, वेरी गुड सर, मेरे से डबल। अभी हम 60 साल के एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहे हैं भाई साहब से, 20 साल का तजुर्बा मेरा हो गया, 40 साल का इनका हो गया, तो 60 साल, और भगत सिंह जी की एज भी 60 साल है, तो 60 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ तो कैसे सर? मेरी जो एज है, मेरा 12/12/1958 का जन्म है जी, यानी कि 65 मेरी एज हो चुकी है, 65 साल 12 दिसंबर को जी। लेकिन मैंने, मेरे बच्चे जो बोलते हैं कि पापा काम छोड़ दो जी, घर में बैठो, हम अच्छे हैं, हमारे दो बेटे हैं जी, एक बहुत बड़ा अफसर लगा है डीएमसी हॉस्पिटल में जी, एक का वाटर फिल्टर और एसी का अपना काम है जी। लेकिन मैं कहता नहीं जी, जब भगवान ने मुझे हाथ पैर चलने को दिया, दुनिया में सबसे बड़ी बात दौलत यह है कि बंदे की तंदुरुस्ती, जब परमात्मा ने, भगवान ने उसको तंदुरुस्ती दी है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है जी। अगर वो बीमार रहेगा जी, या कुछ प्रॉब्लम हो जी शरीर में जी, तो कुछ समय के बाद
पत्नी भी छोड़ जाती है, बच्चे भी छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। मैंने लाइफ में कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए पैसे दो, बोलो दो। हमने ये बोला एक हमारी इज्जत दो संसार में लेने रहने के समय लोगों के दिल में, उनसे प्यार करें और आपका नाम जपें और हमारा सिर चलता रहे। चलते चलते भगवान जी अपने पास बुला लेना। लेकिन हम जब भी आपकी कुछ चॉइस करते हैं ना तो हम किसी सेलमैन की बातों में कभी नहीं आते जी। ते हमने जो कस्टमर भी हमारे पास रिटेल में आता है, जो गुड फेथ हमारे पर करता है ना जी, देखो बेचना सब कुछ होता है जी। कुछ एड में ऐसी होती है जो कस्टमर कहता है नहीं अंकल जी आप अपनी मर्जी से मुझे दे दो जी। हमारे एकदम माइंड घूमता है जो मैं दिखा रहा हूँ हाँ। अगर ले जाएगी इसको में ये प्रॉब्लम आ जाएगी जी, हम उसको कहते बेटा इसको छोड़ दो, एक सेकंड का सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, मैं इसको छोड़ दो बेटा, इन पांचों में जो मर्जी ले लो। वो कहते हैं अंकल जी पांचों दे दो, फिर पांचों दे दो दे दो जी। इसलिए हमारे पास गुड फेथ करता है। और हम जब अजीत भाई से सर से हम कल परसों मुझे पंजाबी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है। पंजाबी बोलो 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 हाँ। पंजाबी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लोग आपकी भावनाएं समझेंगे। क्या 65 साल की उम्र में 18 साल जैसे जितने में भी करंट नहीं है उतना करंट है बाबा जी में। हाँ ये बात आप पंजाबी बोलिए जो आपकी भावना समझेंगे लोग तो जी। मैं ये जरूर कह रहा कि मेरे सामने 20 साल का कोई वर्कर कम कर ली मेरे को जी, तो मैं उस तो ज्यादा कम कर सकना जी। नंबर दो जी, मैं यानी जो 20 साल का कर सकता उससे ज्यादा काम कर सकते हैं, करेंगे, जी, करेंगे। ये इच्छा है, ये सोचिए आप 65 साल की एज में क्या बात बोल रहे हैं। करते रहेंगे जी जी, करेंगे और करते रहेंगे जी। और सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, वेरी गुड, 4 बजे उठकर जी 30 मील पैदल जी सैल करने जाता हूँ, 15 मील जाल गाने का, 15 मील आने का, तभी फिट हो आप बिल्कुल। और मुझे जो सैल करने वाले बड़े, हाँ ये राज है फिट होने का, आज बताया कैमरे पे देख लो है। बड़े, बड़े पेट वाले हमारे साथ घूम रहे होते हैं ना, मुझे बोलते हैं के तुहानू सरदार जी की लोड़ है सैल करने की। हाँ। मैं पेट कटाने लिए सैल नहीं कर रहा, जिस समय रात को बंदा खा पी के सो जाता ना, शरीर दी अंतड़ियां नाड़ियां जो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि रात को सारियां इकट्ठियां हो जांदियां ने, तो जो सुबह सैल करेंगे उस परमात्मा की दित्ती हवा जो ताजी हवा मिलेगी, जो कुदरत के नजारे मिलेंगे अपन शरीर नु, तो वो ऑक्सीजन मिलेगी जड़ी का अपना हस्पतालों जाके नहीं मिल सकती। बराबर, तो वो इस करके मैं सैल करने जाना। और जो मेरी गल सुनते हैं तो कहते हैं बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। बराबर, और ठंडी के समय दिसंबर के महीने भी मैं कभी शॉल ओढ़ कर नहीं गया। ओहो, पतला सा कुर्ता, पतला सा पजामा और साथ में कैंची चप्पल पहनी होती है, कोई फ्रीट नहीं। फिट बॉडी का राज बता रहे हैं। और रात भर सोने के बाद सुबह जो ताजी हवा लेता है ना, वो आदमी लंबी रेस का घोड़ा बनता है। भगत जी दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली से प्लानिंग सूरत की बन गई, कैसे? ऐसे था कि मैंने तो आपका 2-2.5 साल से वीडियो देख रहा हूँ जी जी। तो ये चाचा जी जो जहाँ पहले काम करते थे जी, वो ज्यादा माल दिल्ली से लेते थे जी। तो इनसे मैंने पूछा माल कहाँ से लाना, कहते दिल्ली से माल आना जी। मैं कहा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जी, अगर को पसंद आता है तो फिर आप वहाँ चल चलेंगे जी। इनको जब मैंने आपका वीडियो दिखाया जी, तो इन्होंने डिजाइन देखे, कहते जाना ही सूरत है, जाना ही सूरत है। एक मिनट में डिजाइन देखने के बाद, यानी प्लानिंग ऐसे चेंज होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं इस काउंटर पर मुझे पिछले 5-6 सालों में याद नहीं आता है कि मैं कब इतना बैठा। भगत सिंह जी, उनके वाइफ का स्वभाव, ये पापा जी इधर बैठे हैं, इनका स्वभाव ऐसा है कि मैं खुद भी इन्हें नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और बार बार मेरी भी इच्छा है इनके पास आने की बैठती है। मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी टाइम इतना लंबा समय तक किसके पास बैठा। लेकिन कोई कोई व्यापारी ऐसे आते हैं जिनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है दोस्तों। और मैं ऐसे ही व्यापारियों के साथ घुल मिल कर आज अजीत जोन को बनाया है। हर आदमी से सीखने की एक चीज़ होती है और इनसे भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। और आज ऐसे ही बैठे थे, आपके साथ एक वीडियो शेयर करना था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया दोस्तों। एक लास्ट में मैसेज पूछूंगा और उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। सर आपका टोटल परचेजिंग यहाँ पर कितना हो गया? हमारा 25-30 लाख का, 25-30 लाख का हो गया। पापा जी एक चीज़ मुझे बताइए, आप पंजाबी लैंग्वेज में बताइए, क्योंकि पंजाब के ग्राहक भी बहुत सुन रहे होंगे और हमारे कनाडा के कस्टमर भी बहुत हैं जो पंजाबी NRI हैं, जो भी हमारे से लेंगे रेडीमेड बनवाते हैं, मंगवाते हैं रेडीमेड सूट मंगवाते हैं। आप जो पंजाबी में बताइए कि अजीत जोन में ऐसी क्या खासियत लगी आपको 2 दिन में, कि आप जो एक तो सोच के आए वैसा मिला या नहीं मिला, पंजाबी लैंग्वेज में 1 मिनट के लिए अजीत जोन के बारे में बता दीजिए। जो असी अजीत जोन बारे सोचा से सानू ओदे ते 1% दी बजाय 1.25% सानू बेनिफिट मिले है जी। और दूजी गल सानू क्वालिटी मिली है जी। मैं जो भी है वीडियो देखन गए, मैं उन्होंने एक मैं बेनती करांगा कि जिसने भी कुछ परचेजिंग करनी है, नवी शॉप खोलनी है, वो फर्स्ट टाइम अजीत जोन से जरूर पहुंचन जी। और पहुंच गए
इन्हों से मैं बहुत बड़ा विश्वास हो गया जी कि मैं तो इन्होंने स्टाफ भी बहुत अच्छा मैंने एक गल कही कि मेरे ना सेल्समैनशिप ना करना जी कि मैं कपड़ा थोड़े हाथों जगह मैं दस दाँगा भी कपड़ा की है जी भी किन्ने परसेंट कॉटन है किन्ने परसेंट सिंथेटिक है जी उस परमात्मा का माइंड है मैं कुछ सियाना नहीं है जी बेजाची असी बेजाची कहते बजाजी नहीं है जी ये सारी उम्र निकल जाती है समझ कोई नहीं आती जी जी लेकिन जो इतने आके देखा इन्हों की डीलिंग इन्हों की वरायटी जी और कल तो जो अं आए हाँ जी इन्ह के जो होल्डर ने अजीत जोन जी वह साढ़े ना बैठे हुए हैं जी लेकिन उन्होंने काफ़ी अपना कीमती समा कट के जी सानू टाइम दिता जी और बाकी भी नवे व्यापारियों जिन्हें नवा बिजनेस करना हो कपड़े का जी मैं उन्होंने हाथ जोड़ के ये बेनती करा अपने वालों जी कि जो असी बेनीफिट लिया और लाइफ च लवेंगे जी और तुम फर्स्ट टाइम आके अजीत जोन से जरूर पहुँचो जी और इन्होंने को जो परिचिंग करके लैके जाओगे जी वो तुम्हें बेनीफिट मिलेगा और लाइव टैप तुम्हें इन्हें डीलिंग चलती रहेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी आपने पंजाबी में दिया मुझे तो समझ में आ रही है मेरे दर्शकों को भी भाव समझ में आएंगे दोस्तों आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो एक अलग टाइप का है भावात्मक वीडियो है उसका कारण है कि आप पंजाबी बोल रहे हैं कई ग्राहक इनकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे लेकिन इनके भाव मन के समझ सकते हो कि दोस्तों बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती है आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने मेरी माताजी का 65 एज है मेरे माताजी को टाइम पास के लिए मैं घर पे कम से कम 1-1.5 लाख का माल डाल रखा है मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि ओनली उनका टाइम पास हो जावे उनके पास दिन भर बसती रहे यानी वो 50,000 का साल का मूव मेरी माताजी नुकसान भी कर रहे हैं लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही है क्योंकि उनके पास दिन भर लेडीज आ रही है जा रही है उनका टाइम पास हो रहा है मैं इसलिए पैसे लगाए तो ये चीज़ें हैं दोस्तों इस बिजनेस से बहुत तरीके से सीखा जा सकता है बिजनेस को कभी भी कोई भी उम्र में आप कर सकते हैं आपका दोस्तों एक शटर भी होता है ना उस पर भी ग्रीस पानी चाहिए दिमाग होता है उसको प्लस माइनस रेगुलर कोई ना कोई चीज़ के लिए काम करते रहना चाहिए और ये पापा जी से सीख सकते हैं हम तो इसलिए एक ऐसे बैठे थे और मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया बाकी रेगुलर मैं अजीत जोन पे आपको रेगुलर चीज़ें देता रहता हूँ बाकी नई नई चीज़ों पे हम गाइड करते रहेंगे आपको आप अपना खूब ख्याल रखिए विशेष तौर से अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए माता पिता की खूब सेवा करें बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार।